सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट देखने के लिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास सिक्स के बच्चों की वर्कशीट है सब्जेक्ट है इंग्लिश उनतीस सितंबर 2020 की वर्कशीट है विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का भी नाम लिख देंगे वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना लास्ट वर्कशीट में हमने जमा को समझा था अब क्या है घटा को समझना है जैसे जीरो से लेकर टेन तक ये एक स्केल पर दिखाया हुआ है अब टेन में से हमें थ्री माइनस करने के लिए बोला हुआ है टेन में से थ्री माइनस कर देंगे बच्चों तो सेवन रह जाएगा कैसे कर देंगे ऐसे भी सीख सकते हैं आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब इसमें से थ्री निकाल दीजिए ठीक है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बच गया सेवन आंसर हो गया ठीक है अब देखते हैं आगे देखिए घटा क्या है घटा क्या है बच्चों कम करना कम अंतर घटाना काटना घटा पीछे की ओर गिनना अब उदाहरण देख लेते हैं जैसे छप्पन में पाँच दहाई और छः इकाई बराबर चार दहाई और सोलह इकाई ऐसी उनतीस में दो दहाई नौ इकाई बराबर दो दहाई और नौ इकाई ठीक है अब ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें ठीक है अब क्या करने के लिए बोला हुआ है आगे हम देख लेते हैं ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं सम्स आओ करें अब इसमें देखिए ये हमें पहले तो हल दिखाया हुआ है इसका सॉल्व करके देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे बच्चे ये आ जाएगा और इनमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा अब हमें जो करने के लिए बोला हुआ है हम वो देख लेते हैं स्थानों में व्यवस्थित करें और घटाएं हमें क्या घटाना है बच्चों फर्स्ट के फर्स्ट में 527 में से हमें क्या माइनस करना है 115 ठीक है पाँच में से 115 तो हम घटा देंगे अब देखिए सात में से पाँच घटाएं तो दो बच गए दो में से एक घटाया तो एक बच गया पाँच में से एक घटाया तो चार बच गया ठीक है बच्चों ये आपका सॉल्व हो गया ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड में क्या करना है इसमें क्या करना है हमें छः हजार एक सौ पचास में से पाँच हजार चार सौ बासठ को घटाना है तो हम घटा देंगे सेकंड लिखकर पहले हम ये लिखेंगे फिर इसके नीचे ये लिख देंगे फिर ना घटाएंगे कैसे देखिए यहाँ से एक हासिल ले लेंगे ये जीरो में एक लग गया तो ये कितने हो गए दस हो गए ठीक है अब दस में से दो घटाएंगे तो हमारे पास आठ आ जाएगा ठीक है अब यहाँ कितना बज गया यहाँ तो चार बज गया क्योंकि एक हमने इधर ले लिया था अब एक इधर से ले लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे फोर्टीन ठीक है यहाँ कितने हो जाएंगे यहाँ चौदह हो जाएंगे ठीक है अब चौदह में से छः चौदह में से जब छः जाएंगे तो यहाँ कितने बज गए आठ बज गए अब यहाँ कितने रह गए बच्चों यहाँ दस रह गए ठीक है ग्यारह में से एक चला गया तो यहाँ दस रह गए यहाँ कितने रह गए यहाँ दस रह गए दस में से जब चार घटेंगे तो कितना बचेगा छः बचेगा और यहाँ तो पाँच ही बचे पाँच में से पाँच आएगा तो जीरो तो ये कितना आ गया छः सौ अट्ठासी आएगा ठीक है अब क्या करना है आगे देख लेते हैं अब क्या करना है कि पचास हज़ार से पैंतालीस हज़ार आठ सौ बहत्तर कितना कम है तो ये पता करने के लिए बच्चों कितना कम है हमें घटाना पड़ेगा ठीक है तो हम घटा देंगे पहले हम ऊपर पचास हज़ार लिखेंगे फिर नीचे पैंतालीस हज़ार आठ सौ बहत्तर लिखेंगे फिर इसमें से देखो इसे इस घटा देते हैं पाँच में से एक हासिल इधर लिया यहाँ दस हो गए दस में से एक इधर लिया यहाँ भी दस हो गए यहाँ भी दस हो गए यहाँ भी दस हो गए ठीक है दस में से दो गए आठ बज गए यहाँ कितने बच्चे थे नौ बज गए नौ नौ में से क्योंकि ये किधर ले लिया तो यहाँ नौ बज गए थे ठीक है अब नौ में से सात जाएंगे तो यहाँ तो दो बचेंगे ना अब यहाँ कितने बज गए थे यहाँ भी नौ ही बज गए थे ठीक है क्योंकि हम आगे लेते रहते ना हासिल अब नौ में से आठ गए यहाँ भी एक बज गए फिर यहाँ कितने बचे यहाँ भी नौ बज गए थे नौ में से पाँच गए तो कितने बच्चे चार और यहाँ तो बच्चों ये पाँच नहीं बचा था ये चार ही बच गया था ठीक है तो चार में से चार गए तो जीरो ही बची ठीक है तो ये कितना आ गया चार हज़ार एक सौ ठीक है आपका आंसर हो गया अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ हमसे एक कार की कीमत पाँच लाख पचास हज़ार सात सौ पचानवे है और एक मोटर बाइक की सत्तर हज़ार तिरसठ है कौन सा वाहन महंगा है और कितना तो बच्चों कार में से हम बाइक की कीमत घटा देंगे देखिए पहले हम लिख देंगे एक कार की कीमत ये रही फिर एक मोटर बाइक की कीमत ये रही किसकी कीमत ज़्यादा है तो और कितनी ज़्यादा है ये आ जाएगी कार की कीमत ज़्यादा है कितनी ज़्यादा है वो ये आ गई ठीक है कैसे घटाया पाँच में से तीन गए दो बचे फिर यहाँ कितना नौ में से छः गए तीन बचे सात में से ज़ीरो जाएगी तो सात ही रहेंगे ज़ीरो में से ज़ीरो जाएगी तो ज़ीरो ही रहेगा अब यहाँ पाँच है यहाँ से एक हाँ से ले लो यहाँ पंद्रह हो गए पंद्रह में से सात गए तो आठ यहाँ पर चार बज गया चार हमने ऐसे ही लिख दिया तो कार की कीमत बाइक की कीमत से कितनी अधिक है चार लाख अस्सी हज़ार सात सौ बत्तीस रुपये अधिक है किसकी कीमत कार की कीमत तो ये आपको ऐसे ही सवाल कर देना है ओके okay, स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग